मुंबई 1980 सड़कों पर खोले यहां खून खराबा होने लगा गैंगस्टर्स के खत्म होने की कहानी शुरुआत से लहला देने वाले रोमांचक देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.sonylist.com ये क्या हो रहा है अंकल ओ अंकल अरे यार लगता है ध्यान कर रहे हैं ध्यान अबे ये कैसा ध्यान है वो भी रेत में घुसकर चल छोड़ ना बॉल लेके आते यार यार कुछ तो गड़बड़ है यार छोड़ना हम अपनी बॉल लेके चलते हैं हाँ चल चल अबे ये तो मर गया पांचों के पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे इनकी शिनाख्त हो सके पांच गड्ढे एक गोलाई में खोदे गए जिनमें ये सब आधे गड़े हुए थे अब देखकर लगता है कि यहाँ पे कोई जादू टोना चल रहा था सर सर ये बैग वहां से मिला खोलो इसे इन लोगों के वॉलेट्स और मोबाइल फोन पकड़ो इसे ये तो ठीक वैसा ही चोंगा है जैसा इन लोगों ने पहन रखा है मतलब यहाँ पे पांच नहीं छह लोग थे लेकिन ये छठा कहाँ है आज के जमाने में लोग ऐसा करते हैं यकीन ही नहीं होता है किस पर यकीन नहीं होता
यही जो इस पेपर में लिखा हुआ है। क्या लिखा है पेपर में? वही जिस पर यकीन ही नहीं होता है। वरुण, पेपर में ऐसा क्या लिखा है जिस पर यकीन नहीं होता? अरे वही जो मैं पढ़ रहा हूँ। अरे मेरा मतलब है तुम भी पढ़ लो, ये देखो तुम्हें भी यकीन नहीं हो। देखो सच में लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसा कैसे कर सकते हैं? अच्छा सही न्यूज पढ़ी, 3 बच्चों की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और गांव वालों ने उनका इलाज करने के लिए उनकी बॉडी में आत्मा बुलाई और उनकी तबीयत सुधरने के बजाय और भी बिगड़ने लगी। अजीब सुपरस्टिशियस लोग हैं ये सब। लोगों को छलने के रास्ते हैं ये, भूत प्रेत झाड़ फूंक वगैरह इससे कुछ होता नहीं है, पैसे कमाने के रास्ते हैं। आई स्वेयर सर, ये तो बिजनेस बना के रखा हुआ है। मौत की वजह इंस्पेक्टर साहब बहुत ही विचित्र है। विचित्र मतलब? इन सब की मौत दिमाग की नस फटने से हुई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कारण तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ऐसा लगता है कि इन लोगों ने कुछ ऐसा देखा या महसूस किया जिसको इनकी दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाई और इन सब के दिमाग की नसें फट गई। सर, इन लाशों में से एक के वॉलेट से ये विजिटिंग कार्ड मिला। उर्मिला माल बनकर, तंत्र मंत्र एक्सट्रीम, क्राफ्टिंग गॉड एंड मंत्रा वेपन्स, इन लोगों ने जो चोंगे पहन रखे थे उस पर भी यही नाम लिखा था। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। डॉक्टर साहब, इन सब की मौत कैसे हुई ये अब पता चल जाएगा। क्या दुख है तुझे? 3 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरा पैर काम करना बंद कर दिया। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया लेकिन सब यही कह रहे हैं कि इसका कोई इलाज नहीं। अब मैं कभी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता। तू मुझसे क्या चाहता है? मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर दीजिए। जा, जा, तेरी मुराद पूरी होगी। इसे एक घूंट में पी जाओ। अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ। खड़ा हो जा, अपने पैरों पे खड़ा हो जा। उर्मिला जी, बंद करिए जादू टोना। बीच पे हुई 5 हत्याओं के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। उर्मिला जी, जिन 5 व्यक्तियों की हत्या हुई है
उन पांचों ने आप ही की कंपनी तंत्रा मंत्र एक्सट्रीम के चौके पहने हुए थे। क्या कहना चाहती है इस बारे में? यस सर, तंत्र मंत्र मेरी ही कंपनी है, लेकिन मैंने उन लोगों का खून नहीं किया है। अब आपकी किसी भी बात पर मैं विश्वास कैसे कर लूं? क्योंकि सत्य तो यही है कि आपकी ये जो कंपनी है उसके द्वारा आप लोगों के अंधविश्वास का लाभ उठाती हैं, ठगती हैं उन्हें। मैं मानती हूँ मैं एक ठग हूँ और मैंने लोगों को पैसों के लिए ठगा है, पर मेरा यकीन कीजिए, मैंने खून नहीं किया है। मैंने सुना है केडी पाठक किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होने देते। उर्मिला जी, एक शर्त पर मैं आपका यह केस लड़ूंगा कि अब के बाद आप ये जो ठगने का काम है आपका, ये बंद कर देंगे, आज के बाद किसी को नहीं ठगेंगे। जी सर, मुझे मंजूर है। योरोना, ये एक बहुत ही टेढ़ा दिखने वाला सिंपल सा केस है। उर्मिला जी तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करके रिचुअल्स करती थी और ऐसी ही एक रिचुअल के दौरान इनके 5 क्लाइंट्स की मौत हो गई। क्या हुआ जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई, ये जानने के लिए मैं फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर शाह को यहाँ पर बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है? डॉक्टर शाह यहाँ पर अदालत में आप सबको बताएंगे कि कुशाल और उसकी दोस्तों की मौत के बारे में आपको क्या पता चला है। कुशाल और उसके दोस्तों के दिमाग की नसें फटी हुई थी। उनके साथ कुछ तो अद्भुत हुआ है जिसकी खोज हम अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसका जवाब नहीं मिल पाया है हमें। टेस्ट जारी है। एग्जैक्टली, ये जो अद्भुत हुआ है उसके बारे में ना तो मुझे जानकारी है ना ही फोरेंसिक एक्सपर्ट को, लेकिन ये औरत जरूर जानती है। ये कुछ ऐसा अद्भुत करती है जिसकी वजह से उन पांचों के दिमागों की नसें फट चुकी। ऐसा क्या किया? बोलिए बोलिए उर्मिला जी, ऐसा क्या किया आपने या फिर ऐसा क्या करवाया उनसे? बोलिए, जवाब दीजिए। जल साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया है। मैं तो ऐसा कुछ अद्भुत जानती भी नहीं हूँ। मैं ऐसा कुछ भी अद्भुत नहीं कर सकती हूँ जिससे इंसान की दिमाग की नसें फट जाए। जैसा मैं मानती हूँ मैं एक ठग हूँ, मैं मानती हूँ कि मैंने तंत्र मंत्र की विद्या से बहुत से लोगों को ठगा है, बहुत से जासे दिए हैं, बहुत झूठ बोले हैं, पर जैसा मैंने कोई खून नहीं किया है। आप ठगी के लिए मुझे अगर कोई सजा देना चाहे तो दे सकते हैं, पर मैंने खून नहीं किया है, कोई खून नहीं किया है। वाह, I must say good work, Mr. KD. अपने मुवक्किल को ही इन्होंने एक नई कहानी सुनाई है, नया तरीका बताया है कि कैसे अपने आप को बचाया जाए। ठगी की कहानी बनाओ, 5 साल की जेल लो और मौत की सजा से मुक्ति पाओ। Mr. पाठक, आप मॉरल ग्राउंड से गिर जाएंगे। I didn't expect this. अद्भुत बात है मिस पुरी। आप तो निजी आक्रमण कर रही है मुझ पर। आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं कि मेरी नैतिकता अखंड है। मैं सत्य के लिए ना सत्य के लिए। हाँ, मानता हूं कि मेरी मोकिल एक ठग है और कई लोगों को ठगा है इसने, और इस धोखाधड़ी के लिए इन्हें दंड मिलना चाहिए, लेकिन उस बात का दंड इन्हें नहीं दिया जा सकता जो अपराध इन्होंने किया है। मिस्टर पाठक, आपके ही मुवक्किल ये जादू टोना किया करती थी। जिसकी वजह से आज 5 लोग हमारे बीच में नहीं है योर ऑनर, और उन्हीं सिद्धियों ने उनकी जान ले ली। योर ऑनर, मेरी मुवक्किल अदालत में कथन दे चुकी है कि इन्हें कोई रिद्धि सिद्धि कोई तंत्र मंत्र नहीं आता, वो केवल ढोंग था लोगों को ठगने के लिए। और ढोंग से किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है? ढोंग है ये सच, ये तो आपको पता चल ही जाएगा मिस्टर पाठक। योर ऑनर, उर्मिला जी ने काफी लोगों की सहायता भी की
और इसी का उदाहरण आपके सामने लाने के लिए मैं एक गवाह को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। इजाजत। दिलीप जी, आप कटघरे में आएंगे प्लीज? मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर दीजिए। जा, तेरी मुराद पूरी। दिलीप जी, पिछले 2 साल से ये एक व्हीलचेयर पर थे, ना चल पाते थे ना खड़े हो पाते थे। डॉक्टर्स ने तो साफ साफ मना कर दिया था कि ये कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन उर्मिला जी की वजह से आज ये आपके सामने देखिए। इन्होंने कुछ ऐसा चमत्कार किया जिसकी वजह से ना सिर्फ ये खड़े हो पाए हैं, बल्कि आपके सामने आपने देखा कैसे चल फिर रहे। हाँ जज साहब, उर्मिला जी का मैं बहुत आभारी। इन्होंने पता नहीं कुछ पिला कर क्या मंत्र पढ़ा कि मैं अपने पैरों पर चलने लगा। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, चमत्कार करना तो उर्मिला जी के बाएं हाथ का खेल, और ऐसा ही एक चमत्कार कुशाल और उसके दोस्तों के लिए भी करने वाली थी। क्यों उर्मिला जी, बोलिए ना। जज साहब, ये कोई चमत्कार नहीं है, दिलीप स्टेरॉइड्स के हैवी डोज की वजह से अपने पाँव पे खड़ा है। ये हैवी डोज मैंने ही उसे पिलाई थी ताकि उसकी नसों में ताकत आ जाए और वो खड़ा हो सके। जज साहब, जैसे ही इसका असर खत्म होगा ये फिर से व्हीलचेयर पे जाकर बैठ जाएगा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आप अपने रिचुअल्स के दौरान ऐसे केमिकल्स भी अपने क्लाइंट्स को दिया करती थी? हाँ, कभी कभार जरूरत पड़ने पर, पर ज्यादातर तो मैं बॉटल में पानी भर के ही दे दिया करती थी। तो बात तो और भी साफ हो गई योर ऑनर, इसका मतलब है इन्होंने कुशाल और उसके दोस्तों को भी कोई ऐसा केमिकल पिलाया जिसकी वजह से उनके दिमाग की नसें फट गई। नहीं, मैंने उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं पिलाया है। ये झूठ बोल रही है योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदया मेरे मुवक्किल पर दबाव डालकर इनके मुख से असत्य उगलवाने का प्रयास कर रही है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। योर ऑनर, उर्मिला ने दिलीप पर जो विधियां की वो केवल इनसे पैसे ऐंठने के लिए, और यही कार्य वो दूसरों के साथ भी किया करती थी, लेकिन कभी भी उर्मिला ने अपने किसी भक्त को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहा। योर ऑनर, क्यों दिलीप जी, क्या आपको ऐसा लगा कभी कि उर्मिला आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है, या किसी संकट का आभास हुआ आपको उर्मिला के साथ रहते हुए? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। योर ऑनर, इस बात पर ध्यान दिया जाए कि उर्मिला जी के किसी भी भक्त को इनसे कभी जान के खतरे का आभास नहीं हुआ, और होगा भी क्यों? योर ऑनर, इनके भक्तों से इनकी आमदनी होती थी, और जहां से आमदनी होती है योर ऑनर, वहां कोई किसी प्रकार का घात क्यों पहुंचाएगा? कुशल और उसके 4 मित्रों से भी योर ऑनर उर्मिला को बहुत मोटी रकम हासिल होने वाली थी, उन्हें मारकर इन्हें क्या हासिल होगा? हासिल हो या ना हो, हाँ, लेकिन नुकसान जरूर पहुंचा सकती। इन लोगों के साथ भी इनकी ऐसी ही बात बिगड़ गई थी योर ऑनर, और उर्मिला जी का काम तो रेपुटेशन पर ही चलता है ना मिस्टर पाठक? इसी बात को साबित करने के लिए मैं कुशाल की गर्लफ्रेंड मोनिका को यहाँ पर बुलाने की इजाजत चाहूंगी योर ऑनर। इजाजत है। मोनिका जी, क्या आपको पता था कि कुशाल ये तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ा हुआ था? श्योर नहीं थी, लेकिन मुझे शक था। और ये शक कैसे हुआ आपको? कुछ दिनों पहले की बात है। तुमने मेरी ज्वेलरी बेच दी, वो भी मुझे बिना बताए? बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, लेकिन सही समय आने पर। अभी मेरी मुसीबतों को खत्म करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। देखना, अब अपनी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। ऐसा क्या कर रहे हो? अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जल्दी मैं सब कुछ बता दूंगा। पिछले 8 महीनों से कुशाल कभी जमीन बेचता तो कभी बैंक से पैसे निकालता, लेकिन वो पैसे कहाँ जाते थे उसके बारे में वो कुछ नहीं बताता था। एग्जैक्टली योर ऑनर, कुशाल और उसके 4 दोस्त पिछले 8 महीनों से अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए उर्मिला जी को पैसे दे रहे थे, पर उनकी मनोकामनाएं भी सिद्ध नहीं हुई, बस पैसे लुटाते चले गए। लेकिन फिर कुशाल और उसके दोस्त उर्मिला जी से बहुत नाराज थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये उन्हें बेवकूफ बना रही है।
इसीलिए जिस रात उन सब की मौत हुई उससे पिछली रात वो सब उर्मिला जी के घर गए थे। अब उस घर में क्या हुआ ये जानने के लिए मैं इनके असिस्टेंट सकुरा को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। सकुरा जी जरा सबको बताइए कि उस रात क्या हुआ था, आपने क्या देखा वहां पर? उर्मिला, तुम्हारे ये रिचुअल्स काम नहीं कर रहे हैं। हमारी मुसीबतें गले तक आ चुकी हैं। ऐसा लगता है ये हमें बेवकूफ बना रही है। मैं तुम्हें बेवकूफ क्यों बनाऊंगी? रिचुअल असर करने में समय लगता है। तो इसे इस धोखाधड़ी की बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक और रिचुअल है मेरे पास जो जरूर असर करेगी। ये लो, कल इसे बीच पर ले जाकर पी लेना, ये जरूर असर करेगा। वाह उर्मिला जी, आपने तो कहा था कि आपने उन्हें पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया था, फिर वो शीशी? उस शीशी में कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी था जो मैंने उन्हें दिया था। पहले आपने कहा था कि आपने कुछ नहीं पिलाया, अब आप कह रही हैं कि जो शीशी आपने दी थी उसके अंदर पानी था। कैसे विश्वास कर ले हम आपकी बातों पर? यूरोना, ये तो यहाँ पर भी झूठ और ठगी से बाजी नहीं आ रही। मिस पुरी, यहाँ पर किसी को ठगने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि यूरोनर मेरी मुक्किल ने पहले भी अपने कथन में बताया था कि इन्होंने कभी किसी को कोई केमिकल नहीं दिया, केवल पानी दिया करती थी। संभव है कि उस शीशी में भी कोई केमिकल नहीं, केवल पानी ही था। और हम कैसे मान ले कि वो सच बोल रही है मिस्टर पाठक? अब ये तो मिस पुरी तभी पता चलेगा जब वो शीशी मिलेगी। उर्मिला जी, आपने कुशाल और उसके दोस्तों को वो शीशी दी और उन्हें बीच पर जाने को कहा, वो रिचुअल करने के लिए। वो कौन सा रिचुअल करने वाले थे? वो मनोकामना पूर्ति के लिए। ओ, मनोकामना पूर्ति, वेरी नाइस। क्या आप हमें बताएंगे कि कौन सी मनोकामना पूरी करने के लिए वो ये रिचुअल करने वाले थे? वो उन पांचों का बिजनेस में काफी लॉस हो रहा था, उनका लॉस रोकने के लिए और मुनाफा कमाने के लिए रिचुअल की थी हमने। Nonsense. Your Honor, ये rituals नुकसान या losses को थोड़ी ना रोक सकते। मैंने आपसे पहले ही कहा है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं आता, मैं ऐसा कुछ नहीं जानती हूँ। मैं तंत्र मंत्र सिर्फ लोगों को उल्लू बनाती हूँ। मिस बुरी, तो आप घूम फिर कर वहीं पहुँच गई जहाँ से आपने अपना तर्क आरंभ किया था। मिस्टर पाठक, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। करूँ? प्लीज। उर्मिला जी, एक बात बताइए कि जब वो बीच पर वो रिचुअल करने के लिए गए थे, तब जाहिर सी बात है कि आप भी तो रिचुअल करने के लिए उनके साथ में गई होंगी। नहीं, उस रात में उनके साथ नहीं थी। योर ऑनर, एक और झूठ बोला है इन्होंने, और ये साबित करने के लिए मैं यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर कदम को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है? कदम जी, क्या आप इन मैडम को जानते हैं? जी हाँ, मैं इन्हें लेकर बीच पर गया था। जरा गौर से देखिए कदम जी, क्या ये लोग भी थे इनके साथ में? हाँ, ये लोग भी थे। उसके अगले दिन मैंने इन साहब लोगों की मौत की खबर टीवी पे देखी थी। यानी कि उस दिन आप इन्हें बीच पर लेकर गए थे जिस रात कुशल और उनके दोस्तों की मौत हुई थी? ये झूठ बोल रहा है जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। मैं उस रात बीच पर उनके साथ नहीं गई थी। मैडम, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मिस पुरी, अगर आपको आपत्ति न हो तो मैं कदम भाई से पूछना चाहूंगा कि क्या कदम भाई ये यही थी जो आपके टैक्सी में बैठी थी? हाँ सर। तो इतना विश्वास के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि यही थी? सर, मेरी तो इनके साथ काफी बातचीत हुई थी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है। केडी सर, ये झूठ बोल रहा है। उर्मिला, तो
कहाँ से ली थी इनकी सवारी आपने? सर चांदीवली से। चांदीवली से कितने बजे? रात के 10 बजे थे। मिस्टर पाठक जी, इनसे कुरेद कुरेद के पूछने से बेटर होगा कि आप अपने क्लाइंट से पूछें कि जिस रात कुशाल और उसके दोस्तों की मौत हुई थी वो कहाँ थी। सर मैं उस रात अपने घर पे थी। कोई सबूत है आपके पास या फिर किसी ने आपको देखा? मैं अपने घर पे अकेली रहती हूँ। योर ऑनर, इस ठगी की बात का मैं तो विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि इसके हिसाब से ये मेहनत मजदूरी करने वाला कदम झूठ बोल रहा है, इसे फंसा रहा है। योर ऑनर, उर्मिला जी की धोखाधड़ी की एक और मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगी। जस्ट मोमेंट। ये जाली पासपोर्ट, जाली पासपोर्ट बनवा कर तुमने ये देश छोड़ने का प्रयास किया, ये बात तुमने मुझसे छिपा कर क्यों रखी थी? सर मैं डर गई थी कि आप ये बात जानने के बाद मेरा केस नहीं लड़ेंगे। नहीं, केस तो मैं अभी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो फिर जाली पासपोर्ट बनवाने की क्या आवश्यकता पड़ी? जब मैंने कुशाल और उसके दोस्तों की न्यूज टीवी पे देखी और उन सभी लोगों ने मेरी कंपनी के चोगे पहन रखे थे तो मैं बहुत डर गई थी कि इन सभी मौतों का इल्जाम मेरे सर पे आ जाएगा, और मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए मैंने देश छोड़ने की कोशिश करी। और कोई बात है जो तुमने मुझसे छिपाई हो? ऐसा मुझे कुछ याद तो नहीं आ रहा। ध्यान रहे अरुणला, अगर मुझे पता चला, जरा से भी शंका हुई कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो तो मैं ये केस तुरंत छोड़ दूंगा। उर्मिला तो पूरी फ्रॉड है, उसकी बात पर भरोसा करना मुश्किल है। उन्होंने माना कि उर्मिला फ्रॉड है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि हत्या उसने की है। उसे इस झूठे हत्या के आरोप से निकालना ये हमारा कर्तव्य है। सर उसका करियर तो फ्रॉड से भरा हुआ है, आपको इतना यकीन कैसे है उस पर कि उसने खून नहीं किया? देख वरुण, धोखाधड़ी करने में और हत्या करने में बहुत अंतर होता है, और उर्मिला बेवकूफ नहीं है। अगर ये हत्या उसने की होती तो अपनी कंपनी का विजिटिंग कार्ड और अपना चोगा वहां छोड़ जाती। लेकिन टैक्सी वाला उर्मिला को बीच पर ले गया था, जबकि उर्मिला कह रही है कि वो रात को घर पर थी। हम किस पर यकीन करें? किसी पर यकीन मत करो, सत्य का पता लगाओ और सत्य पर विश्वास करो। या तो वो टैक्सी वाला झूठ बोल रहा है या फिर उसे किसी ने धोखा दिया है। परंतु एक काम कर, उस टैक्सी वाले पर नजर रख। जी सर। और सुने ना, तुम जाओ बीच पर, पता लगाओ कि बीच पर जो कुछ भी हुआ था उसका कोई चश्मदीद गवाह है या नहीं। ये लोग रात में चाय बेचते हैं। हाँ शायद ये चाय वाला उस रात भी हो सकता है। अन्ना, अभी चाय कॉफी सब खत्म हो गया। अन्ना चाय नहीं। बीच पर कुछ दिन पहले 5 बॉडीज मिली थी रेत में गड़े हुए। हाँ हफ्ता भर पहले ना, उसका मेरे साथ क्या लेना देना? अरे अन्ना, आपके साथ कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपने उस रात को कुछ देखा था? नहीं देखा। ये फोटो देखो, आपने इनमें से किसी को देखा था? नहीं देखा। अच्छा लेकिन तुम यहीं पर चाय बेचते हो ना? हाँ। उस रात किसी को भागते हुए देखा था? ये इस टैक्सी वाले को या फिर उसमें ये मैडम, उसको देखा था क्या? नहीं साहब, इसको भी नहीं देखा। साहब उस रात एक काले रंग की गाड़ी बहुत चक्कर लगा रही थी और जहाँ खून हुआ था वहाँ बहुत देर तक खड़ी थी। अच्छा आपने उस गाड़ी वाले को देखा है ना? हाँ साहब देखा है। उसका तस्वीर बना सकते हैं हम लोग? आप बता देंगे वो कैसा दिखता था? हाँ साहब, उसका चेहरा मेरे को अच्छी तरह से याद है।
जल्दी से उसे देखो। सर, वो चाय वाला हमें उस आदमी का क्लू दे सकता था, बट वी लॉस्ट। और उस नीली गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? हमने वो नंबर प्लेट्स चेक किए, वो गलत है। और टैक्सी ड्राइवर कदम, उसके बारे में क्या पता चला? सर, मैंने श्रवण से कह के उस पर नजर रखवाई हुई है। गुड। हाँ सर, एक और बात याद आई। हादसे की जगह मुझे कुछ मिला। आपने कभी टेट्रा हाइपोथीलियम ज़ेनामाइड के बारे में सुना है? हाँ, ये बेहद ही खतरनाक होता है, मगर मैंने सिर्फ इसके बारे में सुना है। मेरे करियर में आज तक ये जहर मेरे सामने नहीं आया। अच्छा, विचित्र बात है, आप फॉरेंसिक्स के इतने महाविशेषज्ञ हैं, आपके सामने कभी ये विष आया ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं क्या वकील साहब, इंडिया में शायद कोई भी ऐसा फॉरेंसिक या केमिकल एक्सपर्ट शायद ही कभी इस जहर को देखा हो। ये जहर काफी दुर्लभ है। फेमस केमिकल एक्सपर्ट रघु शास्त्री काफी समय से इस जहर को लेबोरेटरी में बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर शायद सफल नहीं हुए। मिस्टर पाठक, आप ये अद्भुत और सोच से परे केमिकल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? इसका इस केस से तो कोई संबंध ही नहीं। संबंध है ना मिस्टर पाठक, कुशाल और उसके दोस्तों की मौत उर्मिला जी की सिद्धि की वजह से हुई है, किसी केमिकल की वजह से नहीं। ये आपको लगता है मिस पूरी, आपको क्या लगता है किस कारण से कुशल और उसके मित्रों की मृत्यु हुई? हम सब जानते हैं कि दिमाग की नस फटने के कारण उनकी मृत्यु हुई, लेकिन दिमाग की नस किस कारण से फटी? क्या कोई ऐसा अविश्वसनीय दृश्य देखा उन्होंने या कोई और कारण था? उनके दिमाग की नसें उसी केमिकल की वजह से फटी थी। ये हार्ट रेट की स्पीड इतनी तेज कर देता है कि बीपी बढ़ जाता है, उसके दबाव के कारण दिमाग की नसें फट जाती है। कह रहे हैं आप ही? अभी तक तो आप कह रहे थे कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, और अब आप इस सोच से भरे केमिकल के बारे में सब कुछ कह रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नहीं जानते थे, क्योंकि ये जो केमिकल है ये उपलब्ध नहीं था, दुर्लभ था, लेकिन अब है। मैं बताता हूँ कैसे। योर ऑनर, ये शीशी मेरे सहायक को उसी बीच पर से मिली योर ऑनर, जिस बीच पर कुशल और उसके मित्रों की हत्या की गई थी। योर ऑनर, फोरेंसिक की इस रिपोर्ट के अनुसार इस शीशी में उसी विष के कण पाए गए जिसके कण कुशल और उसके मित्रों के लहू में भी पाए गए थे, जिसके कारण उनके दिमाग की नसें फटी और उनकी मृत्यु हुई। ब्रिलियंट वर्क मिस्टर पाठक, आपने तो हमारी मदद ही कर दी। योर ऑनर, अब तक तो ये गुत्थी यहाँ पर बनी हुई थी कि कुशाल और उसके दोस्तों के दिमाग की नसें फटी कैसे, लेकिन अब थैंक्स टू मिस्टर पाठक हमें पता चल गया है कि शीशी में जो केमिकल था वही कुशाल और उसके दोस्तों के लहू में से पाया गया, और ये उसी बीच से मिली जहाँ पर उनकी डेड बॉडी मिली थी। लेकिन अब मैं आप सबके सामने ये साबित कर दूंगी कि ये शीशी किसी और की नहीं बल्कि उर्मिला जी की है। ने जो शीशी दिखाई, क्या आप उसे पहचानते हैं? हाँ, उर्मिला ने ऐसी ही शीशी कुशल और उसके दोस्तों को दी थी। सकुरा, तुम्हें कैसे पता कि ये शीशी जो है वो उर्मिला की ही शीशी है? क्या शीशी बनाने वाली ये कंपनी केवल उर्मिला जी के लिए ही शीशी बनाती है? हो सकता है किसी और की। पाठक, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये वो शीशी नहीं जो उर्मिला ने कुशल और उसके दोस्तों को दी थी, जबकि ये शीशी उसी बीच से मिली है जहाँ पर उनकी डेड बॉडीज मिली थी, और उर्मिला जी भी तो उस वक्त वो रिचुअल्स उनके साथ में वहाँ पर करवा रही थी। कदम जी इस बात के गवाह हैं। योर ऑनर, मुझे तो इन बातों में कोई तथ्य दिखाई नहीं देता। कदम झूठ बोल रहा था, और कुछ क्षण के लिए अगर ये मान ले कि कदम सच बोल रहा था और वास्तव में उसने उर्मिला को बीच पर उस स्थान पर उतारा जहाँ की ये कुशल और उसके मित्रों के साथ वो विधि कर रही थी, तो स्पष्ट है योर ऑनर की वो शीशी भी उर्मिला ने कुशल को उसी स्थान पर दिया होगा।
तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं योर ऑनर कि ये वायल जिस स्थान पर विधियां की गई थी या संभवतः विधियां की गई थी वहां से आधा किलोमीटर दूर पाया गया। अब मान लें अगर कि उर्मिला ने उस स्थान पर विधि की थी और उसी स्थान पर कुशल ने इस शीशी से वो विष पिया और उसे फेंका, तो वो वायल आधा किलोमीटर दूर जाकर तो गिरेगा नहीं योर ऑनर। तो अगर ये मान ले कि उस स्थान पर कोई विधि हुई थी और उर्मिला वहां थी, तो योर ऑनर संभवतः कोई और भी था उस समय जो आधा किलोमीटर दूर कुशाल और उसके मित्रों की प्रतीक्षा कर रहा था, और जब ये टोली वहां पहुंची तो जोर जबर उन्हें ये विष पिलाया गया और उनकी हत्या की गई। अब योर ऑनर, जब तक ये नहीं पता चल जाता कि घटनाक्रम ऐसी थी कि नहीं और वो व्यक्ति अगर कोई था तो वो कौन था, तब तक इस केस को आगे बढ़ाना कठिन होगा। अब किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है जज साहब, कातिल उर्मिला जी ही है और ये अब मैं आप सबके सामने साबित करने जा रही हूं। मिस्टर पाठक, एक्सक्यूज मी। तो उर्मिला जी, जरा सबको बताइए कि आपने एक डिग्री हासिल की है, किस में डिग्री हासिल किया? जी, मैंने फार्मेसी में पीएचडी की है। वेरी नाइस। तो पीएचडी के दौरान ये जो थीसिस आपने की थी वो कौन से प्रोफेसर के अंडर की थी? रघु शास्त्री, ये वही केमिकल एक्सपर्ट है जिसने टेट्रा हाइपोथीलियम जेनामाइड की खोज की थी, लेकिन अफसोस सबको बताने से पहले ही उनकी मौत हो गई। योर ऑनर, उनके रिसर्च पेपर्स जो हमें उर्मिला जी के घर से मिले हैं वो आपके सामने है योर ऑनर। सचमुच में कोई जादू टोना तो नहीं कर रही? कुछ नहीं होता जादू टोना। बैठो यार, बैठो बैठो, पानी पिला। ये क्या कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सर, इन सिद्धियों ने मुझे पूरी तरह से फंसा दिया है, मुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचा दिया है और वो वकील पूरी मेरी जान के पीछे पड़ी है, मुझे कातिल साबित करना चाहती है। मैं सिर्फ कुशाल के कातिलों को ढूंढना चाहती हूँ, पता लगाना चाहती हूँ किसने कत्ल किया है। मैं इतने सालों से सिद्धियां करती आई हूँ, मुझे लगा शायद आज कुछ असर कर जाए। सर, मैंने खून नहीं किया है। देखो उर्मिला, इस प्रकार भयभीत होने से कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम फंसी हो, लेकिन अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें कोई दंड नहीं दे सकता। काम डाउन योर ऑनर। मैंने पिछली सुनवाई में ही साफ कर दिया था कि किस तरह उर्मिला जी ने रघु शास्त्री के सीक्रेट केमिकल का फायदा उठाया। ये अच्छे से जानती थी कि उसे ट्रेस कर पाना इतना आसान नहीं, लेकिन अब भेद खुल चुका। अब ये केस शीशे की तरह एकदम साफ। उर्मिला जी कुशाल और उसके दोस्तों से मिली और रिचुअल के बहाने उन्हें वो
जहरीला केमिकल पिलाकर उन्हें मार दिया इन्होंने। योर ऑनर, जितना साफ दिखाई दे रहा है ये केस प्रोसिक्यूटर महोदया को उतना साफ है नहीं। इस केस के कुछ अनछुए अध्याय हैं जिन पर मैंने अध्ययन किया और चंद नए प्रश्न उभर कर आए हैं। कैसे नए सवाल केडी? योर ऑनर, वो प्रश्न मैं एक एक करके अदालत के समक्ष रखता हूँ। उर्मिला जी, ये जो क्रिया कार्य समुंदर के तट पर कुशाल और उसके दोस्तों ने किया था, उस क्रिया को कितना समय लगता है? तकरीबन 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट, क्षमा चाहता हूँ। उर्मिला, इस चित्र को देख कर बताओ कि इस समय किस अवस्था में है कुशल और उसके मित्र। जिस मुद्रा में ये लोग रेत में धसे खड़े हैं, उसके हिसाब से तो रिचुअल का ये आखिरी पड़ाव है। इस क्रिया का ये आखिरी पड़ाव है तुम्हारे अनुसार? और क्रिया के किस पड़ाव में तुमने उनसे वो पीने को कहा था पानी तुम्हारे अनुसार और प्रोसिक्यूटर महोदया के अनुसार विष? रिचुअल शुरू होने से पहले। मिस्टर पाठक, एक बहुत ही जहरीला केमिकल है, इसे पीते ही इंसान मर जाता है। योर ऑनर, सोचने वाली बात है कि मिस पुरी ने जो कहा इनके अनुसार वो विष तुरंत असर करता है, उसका प्रभाव तुरंत हो जाता है। तो फिर ये चित्र जो है जहाँ पर, जैसा कि उर्मिला ने हमें बताया, ये उस विधि क्रिया के अंत की ओर है। योर ऑनर, 5-7 मिनट बाद, ये तो संभव नहीं होता। पहले ही इनकी मृत्यु हो गई होती तो इस मुद्रा में जीवित नहीं होते। योर ऑनर, मिस्टर पाठक, आप इसकी बातों को अपने दलील का बेस नहीं बना सकते। सर्वप्रथम तो आपका सामान्य ज्ञान बढ़ा देता हूँ मिस पुरी। पूरी बात यह है कि ये जो विष है ये तुरंत नहीं, 1 घंटे तक असर नहीं करता, इसका प्रभाव दिखाई नहीं देता। द्वितीय बात यह है कि मेरी मोक्किल ने कई लोगों को ठगा है, झूठ बोला है, झूठ पे झूठ बोला है, लेकिन कभी किसी की हत्या करने की मंशा नहीं रखी। आप उनका केस लड़ रहे हैं इसलिए वो मासूम है। बोलिए मिस्टर पाठक, क्या आप यहाँ पर सबके सामने साबित कर सकते हैं कि वो जहर कुछ देर में नहीं बल्कि ज्यादा वक्त लेता है असर दिखाने में? क्या आप साबित कर सकती हैं मिस पुरी कि ये विष जो है ये तुरंत असर करता है? हाँ, वो 5 लाशें जो लाशें बनी उस जहरीले केमिकल की वजह से। मिस्टर पाठक, वो चीख चीख कर कह रही हैं कि उनकी कातिल यही उर्मिला जी हैं। देखिए मिस पुरी, दुर्भाग्यवश इस अदालत में लाशें तो नहीं बोल सकती, किंतु हाँ वो विष अवश्य बोल सकता। मतलब ये, योर ऑनर, फोरेंसिक डिपार्टमेंट से आग्रह करके मैंने वही विष मंगवाया है। अब मैं ये प्रमाणित करूंगा यहां इस अदालत में आज मिस पुरी कि ये विष तुरंत प्रभाव नहीं करता, प्रभाव होने में पूरा 1 घंटा लगता है। आप ये कैसे साबित करेंगे? इसे पीकर। आप ये जहर नहीं पी सकते। आपको बड़ी चिंता हो रही है मेरी, आप पी लीजिए। मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो जहर को पीऊं। और प्लीज आप ये जहर पीने की जिद छोड़ दीजिए।
मेरी जिंदगी के साथ ऐसी राजनीति क्यों? और फिर आप लोग दावा करते हैं बदलाव का? ये कोर्ट इस केस के अपराधी है, फांसी की सजा सुनाती है। अब आप देख सकते हैं क्राइम पेट्रोल के नए और पुराने एपिसोड्स www.sony.com।